स्वादिष्ट डिश है। इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत है उसमें सबसे पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी, चार प्याज मीडियम साइज के, खड़े मसाले जिसमें दो टुकड़े दालचीनी, कुछ पत्तियां गरम मसाले की, एक बड़ी इलायची, चार लौंग और 10 से 12 काली मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा अदरक, 15 से 16 लहसुन की कली, दो मीडियम साइज की हरी मिर्च, इनका हम पेस्ट बनाएंगे, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को छील कर इसके दाने निकाल कर जीरे के साथ मिक्स कर कर हम इसको भून लेंगे और उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 2 मीडियम साइज के टमाटर और गार्निश के लिए हरा धनिया। इन सभी मसालों के हिसाब से हमने 750 ग्राम मटन लिया है। इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया। सबसे पहले हम घी को गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। साथ ही वो प्याज जो हमने चॉप कर लिए, इन प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाए। ये देखिए हमारे प्याज बिल्कुल सुनहरी हो चुके हैं और इस प्याज का ये इतना सुनहरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी ग्रेवी में वो बात आएगी जो हमें चाहिए। उसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि लहसुन जले ना। इसे लगातार हिलाना जरूरी है जिससे कि ये लगे ना। देखिए हमारा पेस्ट सिक चुका है और घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें मटन ऐड करें। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर में ये मटन पानी छोड़ देगा, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना। ये देखिए इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना और तभी मटन का पानी है वो निकलता भी रहेगा साथ ही साथ जलता रहेगा। जब लगे कि हमारा घी ऊपर आ गया है, अब पानी नहीं है, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा साथ में पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले जले ना और उनको सिकने के लिए ठीक रहे। अच्छे से हिला देंगे।
आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मसालों की अच्छे से सिकाई हो जाए इसके लिए इसमें पानी ऐड करना बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना हो, और जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे और पकाते रहें। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पर ये अभी पका नहीं है, खाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए अब इसमें घी ऊपर आ चुका है। इसमें अब हम वो टमाटर जो हमने चॉप कर लिया है ऐड करेंगे। अच्छे से हिला दें। अब हम इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छे से मैश ना हो जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें जो रोगन जोश की जान है वो चीज मिलाएंगे, वो एक बड़ी इलायची और जीरा जो हमने तवे पर सेक लिया है उसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें ये ऐड करें। और इसको अच्छे से हिला देंगे। रोगन जोश के फ्लेवर के लिए ये बड़ी इलायची के दाने और जीरा दोनों सेक कर पीस का पाउडर बनाकर इसमें ऐड करेंगे। से इसका फ्लेवर बनेगा। ये देखिए अब ये हमारा मटन उस स्टेज में आ चुका है। यहां से हमारे सामने दो ऑप्शन है। पहला ये अगर हम इसे ओपन बनाना है तो हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे, और अगर हमें इसे जल्दी बनाना है तो यहाँ हम इसमें जितना हमको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करके इसको कुकर में डालकर विशल लगा लेंगे। विशल हमें उतनी लगानी है जितनी नॉर्मली हम लगाते हैं, उससे बस एक कम लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें जितना ग्रेवी की ज़रूरत है उतना पानी इसमें मैंने ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से हिला लिया है। अगर आपको इसे ओपन बनाना है तो आप इसे डबल पानी ऐड कीजिए और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दीजिए। ये देखिए मैंने इसे कुकर में ऐड करके और इसमें सीटी लगा ली है, और अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए हमारा ये मटन रोगन जोश रुमाली रोटी के साथ खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रुमाली रोटी के साथ मटन रोगन जोश का आनंद लीजिए।